स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जंतर मंतर से बेरोजगारी का रोना रो रहे राहुल गांधी को लड़कियों ने दिया ऐसा जवाब जो विपक्ष को हिला डाला। राहुल गांधी जी बेरोजगारी बेरोजगारी सब जगह पे यही भाषण देते हैं बेरोजगारी का ही। ये संसद भवन में भी वो हमला हुआ था कुछ दिन पहले, छोटा सा लेकिन मायने उसके बहुत बड़े थे। उस समय भी यही बोला था, हाँ। ये बेरोजगारी बेरोजगार बच्चे हो, देखने में कहीं पे भी बेरोजगार लग नहीं रहे थे। तो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया है बेरोजगारी के बारे में, आज के युवाओं ने क्या बोला है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश का युवा बेकार होता जा रहा है, वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देख रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है, आपका क्या मानना है? सही बात है, मतलब मैं राहुल गांधी जी से इतना कोई सहमति नहीं रखती हूँ। हाँ। मानती हूँ कि मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी, मतलब लाइक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। हाँ। इस टाइम पे, बट द थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, अब लोग मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, मतलब आजकल अगर आप करो बीबीए करो क्या वैल्यू है, बीए करो क्या वैल्यू है, बीकॉम करो क्या वैल्यू है, जब तक मास्टर्स की डिग्री नहीं पकड़ते तब तक कोई वैल्यू नहीं है। और मास्टर्स की भी डिग्री करके अगर आपको 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार की नौकरी मिल रही है तो वो वर्थ नहीं है ना। अब समझ, आपके दोस्त वगैरह हैं जिनके पास नौकरी, रिलेटिव्स है, मतलब कजन, बीए वगैरह करके आपके अनुसार क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए या बीकॉम? मतलब लाइक, मतलब थोड़ा तो होना चाहिए ना कि इंसान खा ले, कि अपने खुद का एक्सपेंडिचर कर ले कि वो आगे पढ़ सके। श्रेय वही आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे आप लॉ कर रही हैं तो आप वकील बनेंगी, पहले जूनियर होंगी फिर सीनियर काउंसिल बनेंगी, बीए वगैरह करने के बाद आपको क्या लगता है क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट को देनी चाहिए जो नहीं मिल रही? थोड़ा टीचिंग में होना चाहिए या फिर कोई इन प्रोग्राम्स वगैरह निकाले कि भाई कुछ कर सकते हैं। टीचिंग के लिए तो उन्होंने बीएड का ऑप्शन ला दिया, तो वो फिर बीएड करनी पड़ेगी, फिर आप टीचिंग में जाओगे। आप आइए ना सर, इस तरफ आइए, दिक्कत पता क्या है सर, आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है यहाँ। दिक्कत मैडम जैसे कह रही है अभी बेरोजगार है, इनके रिलेटिव इन्होंने बताया, खुद भी शायद ये होंगी बेरोजगार, चलो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है कोई बात नहीं, पर सब कुछ ये दिल्ली में आके रोजगार, सब सेकंड ईयर में चलो इनको रोजगार मिलेगा भगवान करेगा, पर सबको चाहिए दिल्ली में ही आके रोजगार, या गुड़गांव में या नोएडा में, ठीक है? नो नो सर, तो छोटे शहर में भी मैम हर जगह जा करके बता रही हैं कि रोजगार नहीं है, और मैम अभी सेकंड ईयर में है। इन मैम ने तो थोड़ी देर पहले कहा कि एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रही है। मैंने मैम को बोला आपने अप्लाई किया कि नहीं ये बताओ हमें। मैंने सबसे पहले बोला था, मैंने नाम क्या आप? रितिका चौधरी। क्या करती हैं? मैं मास्कॉम। इसमें तो बहुत जॉब है, डोंट वरी। मैंने बोला ही नहीं, मैंने एक बार अप्लाई करा मुझे जॉब मिल गई, मैंने कांग्रेस में बोला था नहीं थी। अच्छा ये बात बताइए मेरे को, अरे सर सर ऐसे नहीं, सर सर ए पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, देखिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैडम 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 एक मिनट, मैम एंकर हूँ ना, मेरे को भी थोड़ा काम कर लेने दीजिए सबसे। अरे सर, अरे सर सर सर, अरे सर 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 सर, आप शांत हो जाए, शांत हो जाइए, ओपिनियन ले रहे हैं हम, शांत होइए, थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा आप ये बताओ कि मोदी गवर्नमेंट ने कैसा काम किया, आपको क्या लगता है? बढ़िया, मेरे को तो बिल्कुल, मतलब मेरे को थोड़ा सा ये एम्प्लॉयमेंट में ही है, बाकी तो बिल्कुल सेफ्टी भी है, सब सब टॉपिक्स है जो मुझे चाहिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया वर्क है। आई एम विद मोदी गवर्नमेंट। आप मोदी की सरकार के साथ हैं, लेकिन आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज और होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए भाई, जनता है अपनी बात कह सकती है। सर एक मिनट हाँ, ओवर कर रहे हैं, इनकी बात मत सुनो, ये वहाँ पे भी मेरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, मतलब मेरे अगेंस्ट ही बोलना है इन भैया को। मैं मेरा वहाँ पे भी यही पॉइंट था कि जॉब, नहीं नहीं मेरा यही था कि मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये हमें हमारी बातों में। एक मिनट मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है देश मोदी सरकार में आगे बढ़ा है? और क्या, बहुत बहुत, कितना रिप्रेजेंटेटिव मिला है भाई, अभी G20 समिट करी है ऑर्गेनाइज, बहुत रिप्रेजेंटेटिव मिला है। हाँ आपको क्या लगता है देश सुरक्षा सुरक्षित वगैरह है मोदी सरकार? हाँ, लाइक पहले हिंदुओं की बहुत बिल्कुल सुरक्षा नहीं थी, अंडर मोदी गवर्नमेंट बहुत मतलब सुरक्षा, हम कह सकते हैं भाई प्राउडली कि हम हिंदू हैं। आपको लग रहा है 2024 में जो इंडिया अलायंस बना है जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, जिसमें अन्य पार्टीज भी हैं, वो नरेंद्र मोदी को हरा ले जाएंगे? उनमें देखो, उनमें इंटरनल वो नहीं है, स्ट्रेंथनिंग नहीं है उनमें, इंटरनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि वो टिक भी पाएंगे। हाँ उनका जब से भारत जोड़ो यात्रा की है तब से तो राहुल गांधी बहुत स्ट्रांग होंगे, और कह रहे हैं यूथ में बड़ी पॉपुलैरिटी है, आप तो यूथ हैं आप बताइए। नहीं हमारे में तो नहीं है, नहीं है। आप किसको देखती हैं देश का फ्यूचर?
मोदी जी को, मोदी को ही देखती है बस, आपको नौकरी और चाहिए तो इस पॉइंट को ऐड कर लेते, क्या दिक्कत है? आपका नाम रितिका चौधरी, रितिका चौधरी ये बताइए कि आपको अच्छा लीडर कौन? मोदी जी। मोदी जी के आने के बाद इंडिया कहाँ था, कहाँ पहुँच गया है, तो अपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही। क्या लग रहा है देश वगैरह, देश में कुछ तरक्की वगैरह हुई है? हाँ हुई है। क्या नजर? इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है, काफी हाईवेज बन गए हैं और अच्छा हुआ है। ठीक, और लोगों से फिर हम बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ आइए सर प्लीज इस तरफ। क्या नाम है आपका? अविचल मिश्रा। क्या लग रहा है मोदी जी सही सरकार चला रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगा, मतलब कि ना करने वाले कोई बात ही नहीं रही। और जहाँ तक मैम की बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की, सर पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आप अगर आईपी में जाओगे अच्छे से पढ़ोगे, इंटरव्यू क्रैक करोगे, जॉब मिलेगी। अभी सर मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एज ऑफ नाउ मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, तीसरे हाईकोर्ट में चैम्बर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो भाई बेशक मैंने प्राइवेट से किया, लेकिन सर मेहनत करी, एनरोल हुआ, एग्जाम दिया बार काउंसिल का, एडवोकेट बना, केस लिए, उसके बाद ये चीज आगे बढ़ी ना। अब मैं सोचूंगा भाई मोदी जी यार बढ़िया सा जॉब दिला दो यार, तो दैट इज नॉट ऑफ द मार्क। तो वही चीज है सर। ये मुझे बताइए एक बात और भाई साहब, कि आप चूंकि लॉ से हैं तो कोर्ट वोट आपका आना जाना लगा रहता होगा। विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने मीडिया को दबाव में रखा हुआ है, सरकारी इंस्टीट्यूशन CBI ED इनको दबाव में रखा हुआ है, प्रेस को तो बहुत ज्यादा दबाई रखा है, आप देख रहे होंगे मेरा माइक भी झुका हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, कानून मतलब जो न्यायपालिका है वो दबाव में है? सर मोदी जी अगर मानो कि सबको दबा दिया, तो मोदी जी क्या यूथ को दबा देगी? नहीं ना, यूथ बोलने वाले तो बोले गई, यहाँ पे अभी भी कोई भी मोदी अगेंस्ट नहीं है। रीजन ये है कि भाई उनको दिख रहे चीजें, अब एक बंदा अगेंस्ट है, चार बंदे फेवर में है, तो भाई तराजू तो झुकेगा उसके साइड ही ना। एग्जैक्टली, न्यायपालिका के ऊपर कोई बंदिश है क्या? सर मेरे अकॉर्डिंग तो कोई बंदिश नहीं है न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे रहा है, बेल हाई कोर्ट भी दे रहा है, और बेल सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है, ठीक है। अगर बंदिश होती तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल देता ही नहीं, कम देता है बेल, दैट आई अग्री, क्योंकि सर केसेस की रेलिवेंसी अलग होती है। जो बात है ना, मतलब काम तो बहुत किया, डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, लेकिन जो जैसे होता है ना कि पानी पेड़ की जड़ में छिड़कना चाहिए, वो पत्तों पे छिड़क रहे हैं कि हाँ दिख तो रहा है सबको, सब पेड़ हरा भरा है, लेकिन जो जो दिक्कत है ना वो असल में जड़ में है। कि जैसे नोटबंदी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो ऊपर से दिखाने में हुआ कि अभी मैंने ये किया, वो पानी छिड़का गया, पत्तों पे छिड़का गया, लेकिन जो उस चीज़ की जो जड़ है ना वो कुछ और है, जो है पॉपुलेशन या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जड़ को पानी देंगे ना तो पेड़ हरा भरा होगा, ना कि पत्तों पर पानी छिड़कने से। अब वो बैठ रहे हैं एयरप्लेन में, मतलब देख कैमरे ले, तीन गोप्रो लेके घूम रहे हैं मोदी जी, अच्छा। तो वो कहाँ से आ रहे हैं? लाइक हम देख रहे हैं भाई, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिले वगैरह वगैरह कुछ भी, लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं वर्ल्ड वाइड की। हाँ मोदी जी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं यार, काम धंधा तो कर नहीं रहे। आपको किसने कहा काम नहीं कर रहा? हाँ अब मैं भाई साहब की बात पे आता हूँ। भाई साहब ने कहा कि पत्तों पे पानी डाल रहे हैं, जड़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। भैया जी एक आप हमें बात बताइए, वो जड़ को लगाने वाला भी तो कोई होगा, मानता हूँ आप उसमें शामिल नहीं हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कार्य हुआ, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बनाने वाला भी तो कोई होगा, कंस्ट्रक्शन लेने वाला भी तो होगा, सिविल इंजीनियर भी तो कोई होगा, अकाउंटेंट भी तो कोई होगा, कुछ लफड़ा हो गया इनके जैसे एडवोकेट भी तो वहाँ होंगे सर, यस और नो? आए दिन होते हैं। अभी नितिन गडकरी जी ने बताया, पता नहीं 250-2500 करोड़ का कुछ तो मामला फंसा हुआ था ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसमें कितने एडवोकेट को इम्प्लॉयमेंट मिली होगी, कुछ ना कुछ, कोई भाई प्राइवेट सेक्टर से आए होंगे, कोई गवर्नमेंट के एडवोकेट से आए होंगे, सर आप शामिल नहीं हुए, दैट इज डिफरेंट थिंग, नाउ यू हैव टू थिंक। एंड मसला ये है कि मोदी जी हजारों करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, गोप्रो लेके जा रहे हैं, दुनिया भर में हवाबाजी कर रहे हैं, यही बात है ना। अभी बताते हैं, आपके यहाँ जो बाइडेन जी भी आए थे साथ में, उनके यहाँ फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, जैसे मोदी जी के आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं, भैया उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनके साथ हो रहा है। मोदी जी यार आज देखो इंटरनेशनली कितने फेमस है, वन ऑफ द सबसे फेमस लीडर और सबसे चहीते लीडर आपके इंडियन गवर्नमेंट में मोदी जी हैं जी। आप तो यार मीडिया वाले हो, आपको तो ये चीज़ अच्छे से पता होगा, आपने शायद अपने न्यूज़ में छापा भी हो, अभी रिसेंट की न्यूज़ है, आई थिंक लास्ट वीक आई थी, ठीक है। सेकेंडली सर ने कहा कि इंटरनेशनली कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, सर जा करके न्यूज़ पढ़ो, इसराइल
उनके यहाँ अभी वॉर चल रहा है सब कुछ, 1,00,000 लेबर्स को ना इंडिया से स्पेशली डिमांड करके रिक्वेस्ट पे बुला रहे हैं कि हमें इंडियन लेबर ही चाहिए, बिकॉज वी आर चीपर एंड वी आर एबल टू डू ऑल द थिंग्स। हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, लेबर्स भी हैं, बार्बर्स भी हैं, हर चीज़ है। भैया आप अपना प्रोफेशन बताओ और जाओ अप्लाई करो, यू हैव टू थिंक। ताइवान ने भी पहले 50,000 लेबर्स के डिमांड था, अब 1,00,000 लेबर्स की डिमांड है। सर थोड़ा आप जाकर करेंट अफेयर्स भी पढ़ो और अप्लाई करो और जाओ, वो चीज़ें हैं, आपको जाकर के अप्लाई करना है और वहाँ जाना है। नाउ यू हैव टू थिंक, ये क्यों हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। यार आप राहुल गांधी को बिठा दोगे वो तो फिर ताली बजाता रहेगा और करता रहेगा, वो तो लाएगा ही नहीं भाई। आज देखो हम लोग, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है एंड इन द कमिंग ईयर वी आर गोइंग टू बी लाइक 2025 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। एंड इस पे हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है? वी आर नॉट सेइंग कि मोदी जी ही काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके पास ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दे आर थिंकिंग, दे आर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स, सो वो अच्छे काम कर रहे हैं एंड यू हैव टू सपोर्ट दैट, यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब। क्या नाम है दोस्त आपका? उमेश सिंह। सबसे बड़ी बेरोजगारी है इस सरकार के टाइम में, 45 साल में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, डाटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या राहुल गांधी की बात सच है, देश का युवा रोजगार बेरोजगार हो रहा है? कांग्रेसी भाई मेरी बात सुनो, कांग्रेसी खुद बेरोजगार है इसलिए उनको सारे बेरोजगार दिखते हैं। राहुल गांधी चीख के कह रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे लोग 7.5 घंटे वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देख रहे हैं, तो खुद वो यही काम कर रहे हैं ना, इसलिए उनको वोट नहीं आ रहे, इसलिए और तो उनको कोई काम नहीं है, उनको सारा दिन हु हल्ला हु हल्ला हु हल्ला करना, और कुछ नहीं करना। दूसरी बात, जो कांग्रेस के टाइम में स्कूल कॉलेज खोले होते थे ना इनकी पार्टी के नेताओं ने, इनके चहेते अफसरों ने, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, फर्जी खोले हुए थे, वो फर्जी डिग्रियां देते थे। अभी कोई मैं ऐसे तो है नहीं, 2014 में जन्म, आज ही मैं 25 साल का हो गया, मेरा कोई 2000 में जन्म हुआ तो ही मैं आज 23-24 साल का हुआ हूँ, पढ़ाई भी की है मैंने। इनके टाइम में फर्जी डिग्रियां मिलती थी, अब फर्जी डिग्रियां नहीं मिलती, फर्जी डिग्री वाले को आपको पता है रोजगार नहीं मिलेगा, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा उसके पास फर्जी डिग्री होगी। एक बात ये कह रहे हैं राहुल गांधी खुद बेरोजगार है, मान लो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है जिस राज्य में, वहाँ के बीजेपी के जो लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष है या वहाँ के लीडर बड़े बड़े हैं, वो अगर वहाँ की पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, उनका सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार के लिए अपने लड़ रहे हैं, वहाँ सरकार का विरोध कर रहे हैं। नहीं सरकार चला रहे हैं, शुक्र है कि उस स्टेट में राहुल गांधी सरकार नहीं चला रहे हैं। अब आप कह दोगे कि यूपी को तो मोदी जी चला रहे हैं, भैया गलत है, वो योगी जी चला रहे हैं। वैसे ही राहुल गांधी सरकार नहीं चला रहे हैं, चाहे राहुल गांधी तो सेंटर में आना चाहते हैं, भैया वो ताली बजाते रहेंगे, सेंटर में नहीं आ पाएंगे। मैं आपको डाटा देता हूँ यार, आप सुनो डाटा बहुत लगाया उसका, सुनो अभी सुनो यार, सब्र एक मिनट, योगी चला रहे हैं 6 महीने से वहाँ, डीजीपी नई नियुक्ति परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे, उनका लीव बढ़ा दिया गया है। अच्छा सुनो तो सही, अरे मर्डर तो पाकिस्तान में भी होता है। मैं सर ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि जो जीडीपी होती है ना देश की, जीडीपी, हाँ जो देश की जो जीडीपी होती है ना, इस सरकार के 9 साल उसकी एवरेज निकाली है और मनमोहन सरकार के 9 साल की एवरेज निकाली है। मैं बताता हूँ, 6.8 मनमोहन सरकार की है, इनकी 5.8 आ रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किसके काल में देश ज्यादा प्रोग्रेस किया, किसने ज्यादा तरक्की की, किसके काल में जो जॉब भी ज्यादा मिली। अब करप्शन की बात करते हैं, जवाब ले लेते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मैं ये भाई साहब को देता हूँ जवाब, अभी एक मिनट, ऐसा है आप जो जीडीपी चाहे वो किसी भी पार्टी में आई, आप ऐसा करो जैसे मनमोहन सिंह टाइम पे अच्छी जीडीपी आई, तो एक बार उनको भी फील्ड में डालो, आप सारे जितने लोग हैं पप्पू के साथ, तो फील्ड में जाओ एक बार, दोबारा आओ सर। सर सर एक और सांसद में मैं वो दोबारा आइए आप, सांसद में तब देखिए आपकी जीडीपी नहीं, तो फिर वो अगर वो जीडीपी थी उस टाइम पे तो इतनी बेरोजगारी कहाँ थी। सर एक और, मेरे को आपने 9 इयर्स कंपेयर कर लिए उनके और इनके, नाउ यू हैव टू थिंक, ये जो आपने 9 इयर्स कंपेयर किए इसमें पेंडेमिक आया था क्या उनके टाइम पे, 2 साल का, 2 साल का पहले मेरा सुन लीजिए क्वेश्चन, 2 साल का पेंडेमिक आया था क्या कोविड जैसा, ठीक है। सेकंड थिंग, उस टाइम क्या यूक्रेन और रशिया में ऐसा वॉर चल रहा था क्या 2 साल तक। थर्ड थिंग,
क्या इसराइल और हमास में वॉर चल रहा था क्या? जिसकी अब मैं आपको बताऊं, यूक्रेन में वॉर हुआ, आपके यहाँ तो भैया फूड की कमी हो जानी चाहिए थी, नंबर वन वीट एक्सपोर्टर है, आपके यहाँ रशिया में हुआ, आपको भाई ऑयल की कमी हो जानी थी, बट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, यार पूरे वर्ल्ड वाइड ना इंडियन गवर्नमेंट ने ना क्रूड ऑयल या फिर जो आप ऑयल पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, स्टोव जलाते हो ना, अभी इंटरनेशनल लीडर्स भी ना थैंक यू कहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी को और इंडियन गवर्नमेंट। तो भाई ये था पॉलिटिकल न्यूज, ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल न्यूज में क्या होता है, जब दो पार्टी इकट्ठा हो जाती है या तो पार्टी के सपोर्टर इकट्ठा हो जाते हैं तो तू तू मैं होता है, फिर ये एक दूसरे की बात मानना नहीं, ये होता है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो पहले सरकार थी तब हमने क्या देखा, क्या बेनिफिट्स मिले, अब जो सरकार है तो उस सरकार में हमें क्या बेनिफिट्स मिले। पहली बात कि जो लास्ट में जो बात बताई थी ना कि भाई जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 ईयर हो चुके, 10वां साल और इलेक्शन भी है 2024 में, तो भाई इन इतने सालों के अंदर सबसे पहली बात कि स्टार्टिंग में ही पहले तो कोविड आया, फिर कोविड खत्म जैसे तैसे करके ख़त्म किया, तब तक ये रशिया एंड यूक्रेन का हो गया, वो भी जैसे तैसे संभाला, तब तक ये इसराइल वाला मामला हो गया। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि उस कंट्री लड़ रही तो हमें क्या, हाँ। हमें लॉस्ट होता है, बहुत सारा होता है, बहुत होता है। पहली बात कि रशिया के साथ जितने भी ट्रेड यूएस डॉलर में हो रहे थे वो सारा का सारा बैंड कर दिया, हाँ। था, तो फिर नया रास्ता निकाला भाई इंडियन, फिर रशिया को कन्विंस किया कि भाई हम आपको जो है वो इंडियन मनी में देंगे, आप हमारे साथ हमारे रूपी में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, हम आपको इंडियन मनी दे रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर रशिया माना, फिर ये सब कुछ, हाँ। सब कुछ डिले हुई, मतलब और अगर मोदी जी ने ना संभाला होता तो अभी पेट्रोल डीजल का भाव बहुत बढ़ गया, हाँ, उस समय तो भाई रातों रात 5-5 रुपये बढ़ रहे थे, हाँ। लेकिन अब तब फिर गैस के भी प्राइस बढ़ गई, अब सब कुछ नॉर्मलाइज थोड़ा बहुत हुआ है तो सभी प्राइजें कम हो गई, दाम थोड़े कम किए गए, लेकिन भाई सरकार बेस्ट है, इस सरकार में कोई कमी नहीं। हाँ ये जो बोल रहे हैं ना बेरोजगार, देखो बेरोजगारी दोस्तों हमारा मुल्क जो है वो करीबन आपको पता है 140 करोड़ आबादी का देश है, अब सभी लोग यही चाहेंगे कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जैसे कि बड़े बड़े सिटी बड़े बड़े स्टेट में आप अच्छी जॉब पाना चाहते हो, तो देखो उसके लिए हमारे पास या तो कोई भी स्किल होनी चाहिए या तो हमारे पास कुछ टैलेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए कि हम मतलब इन सब में से हमारा सिलेक्शन हो, क्योंकि अभी तो कंपटीशन ही इतना बढ़ गया और सब मतलब एजुकेशन भी इतना हाई हो गया है, सब लोग मास्टर डिग्री तक मतलब ले रहे हैं। देखो ये जो भी वीडियो जो देख रहे हैं मैं उसको एक ही चीज कह रहा हूँ कि भाई हमारा देश में 140 करोड़ आबादी का देश है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है, अब दूसरे देशों से ज्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे है। रीजन आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, बैंगलोर जो है उसको हम आईटी हब बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब, और आपको वहां पे जॉब पानी है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपके पास आईटी में कुछ ना कुछ बड़ी डिग्री होनी चाहिए और आईटी के अंदर आप कुछ बोलते ना कोई भी एक स्किल चाहिए और एक्सपीरियंस आईटी के अंदर, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग हो गया, एप्लीकेशन जिसमें एंड्रॉइड आता है, फिर आईफोन का जो सिस्टम आता है पूरा iOS, वो डेवलपिंग आपको आती हो, या फिर .NET है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है आईटी के अंदर, वो कुछ आता हो, जैसे कोई ना कोई अलग आपके पास स्किल होगी उसमें आप अव्वल होगे तब जाके आप वहां पे जॉब पा सकते हो। और फिर भी आप यही मानोगे भाई आपका तुरंत ही 10-15 लाख का पैकेज हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसके लिए आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपके पास भले बहुत जितना भी एजुकेशन हो लेकिन आपको कोई भी कंपनी में जाओगे वहां पे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ। और जीरो से स्टार्ट करने में बड़े बड़े पैकेजेस नहीं होते हैं, उसके लिए पहले आप सीख लो, स्किल मिल जाए, फिर आपका अप्रेजल होता है, फिर आपकी जो डेजिग्नेशन है वो चेंज होती है, फिर आप ऐसा हो तो आप दूसरी कंपनी में जाते हो, तो इस तरह से सब कुछ होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और बेरोजगारी की कमी, देखो बेरोजगार वही लोग मानते हैं कि रोजगारी मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हो, व्हाइट कॉलर जॉब, उसको रोजगार मतलब ऑफर मिल रही, हाँ, तो उसी को ही रोजगार नहीं कहते हैं। रोजगार का मतलब ये होता है कि आपको जो महीने भर का जो आपका घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, उस इनकम की बात हो जाएगी, आपकी इनकम। अब इनकम ऐसा नहीं कि व्हाइट कॉलर जॉब से ही मिले, आपके पास कोई और स्किल हो तो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दो, कुछ भी बिजनेस आपको जो भी पसंद आता हो वो बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसा थोड़ी कि भाई पढ़ लिए तो बस हमारे पास नौकरी ही होनी चाहिए। नौकर बनना क्यों चाहते हो,
बात समझ लो, नौकर करना क्यों, आप यह क्यों नहीं सोच रहे भाई मैं बॉस बनूं, मैं एक छोटा सा स्टार्टअप करूं, मैं उस कंपनी का बॉस बनूं, मैं दूसरों को रोजगार दूं, ये क्यों नहीं लोग सोचते, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। लोग बहुत सारे लोग ऐसे भाई इस सरकार में रोजगार नहीं है, तो कांग्रेस के समय में कहा रोजगार का, यहाँ बुफे लगे थे। हर एक सरकार में रोजगार की दिक्कत रहेगी, कोई भी सरकार है, इवन मैं बोलूँ ना, आप कल से राहुल गांधी जी को सेंटर गवर्नमेंट में आप बिठा दो, फिर उसके पास से लिखित में लो कि आप कितने साल में रोजगार खत्म करो, सब रोजगार वाले हो कितने साल टाइम में, मैं गारंटी के साथ कहूंगा राहुल गांधी जी 50 साल तक भी रहेंगे ना, या तो मोदी जी भी 50 साल तक भी रहेंगे, तो रोजगार की दिक्कत सबको रहेगी। वो इसीलिए रहेगी क्योंकि हमारा थिंकिंग वही है, हम सोचते ही नहीं है कि भाई मेरे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट, हम हमारे जो टैलेंट है ना उसको पहचान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी कमी हमारी वही होती है कि हमें क्या पसंद है, हमारे पास क्या टैलेंट है, और उस टैलेंट से हम कैसे यूज करके आगे बिजनेस करें, ये किसी को सीखना ही नहीं। बस सीखना क्या है भाई, मैंने भाई ग्रेजुएट हो गया, मास्टर है, तूने ग्रेजुएट बोलते ना, धक्का खा के आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊँ, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। उसके लिए आप ऐसा सोचो ना कि भाई मैं अब ग्रेजुएट हूँ, मेरे को अभी नॉलेज होने लगी है, पढ़ा लिखा हूँ, तो भाई मैं कुछ ना कुछ बिजनेस का स्टार्टअप तो करूँ, कोई शॉप खोल लूँ, रीसेलिंग का बिजनेस करूँ, कोई भी बिजनेस, और उस बिजनेस से मैं बॉस बनू और मैं दो से तीन एम्प्लॉय रखू स्टार्टिंग में और मैं उसको रोजगार, तो ऐसे ही रोजगार बढ़ता है। बस सबको एक ही लत है कि दिल्ली में जाए और वहां पे बड़ी पोस्ट ले ले, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, उसके लिए उसमें बहुत कंपटीशन है, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमारे देश की आबादी कितनी। अब यहाँ पे आबादी का भी क्वेश्चन है कि इतनी आबादी बढ़ी तो भाई वो हमारे हाथ में कंट्रोल, सरकार ने बोला है, किया है काम उसके ऊपर, भाई हम दो हमारे दो, ठीक है, ये सरकार ऐसा नहीं कर सकती भाई सबकी नस बंदी कर दे ये तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे ये ह्यूमन राइट्स है, लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि भाई आज का जो टाइम है, हम कितना कमा रहे, हम कितने बच्चे जो है उसको पाल सकते हैं और बड़ा करके उसको अच्छा रोजगार दे सकते हैं, ये मतलब उस रोजगार तक हम पहुंचा सकते हैं, उस हिसाब से जैसे हमारी ताकत, बोलते हैं गुजराती में जितनी अथाह शक्ति जितनी आप में शक्ति हो कमाने की, उस हिसाब से बच्चे रखो। लेकिन भाई मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आपके हिसाब से करो, लेकिन जिस हिसाब से आप मांग रहे हो रोजगार, उस हिसाब से तो मैं नहीं मांगता भाई। वो लड़कियां बात कर रही थी ना, उन्होंने भी वही बोला, वो लड़की ने बोला भाई मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने एक जगह पे अप्लाई किया था, मेरे को जॉब मिल गया, और वो जो दूसरी लड़की थी वो बोल रही थी मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, भाई अभी पढ़े रहे हो तो पढ़ लो ना, कोई एक काम कर लो, पहले पढ़ लो फिर रोजगार ढूंढो, या तो पढ़ना छोड़ दो रोजगार पे लग जाओ, जॉब नहीं अच्छा है ना, वो पढ़ रही फिर भी उनको जॉब मिल गई तो अच्छा है ना, तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हमें मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। नहीं अभी क्या प्रॉब्लम है, तो आज के यंगस्टर जो है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आज के जो यंगस्टर है ना, जैसे कि रास्ते पे आपने पकौड़ी का जो बिजनेस होता है, हम उसको पानीपुरी बोलते हैं गुजरात में, कई सारे स्टेट में उसको पकौड़ी भी बोला जाता है, तो हम क्या मानते हैं कि ये बंदा गरीब है, यही मानते हैं मोस्ट ऑफ, मैं बोलता हूँ 70% लोग यही मानते हैं, बट वो बिजनेस लेके बैठा है, आपने मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप जितना नहीं कमा पा रहे हो उतना वो पकौड़ी से कमाता है, और उसका टाइमिंग कितना होता है, 4 घंटे में, 4 घंटे में महीने का आराम से 30,000 से 50,000 रुपया कमा लेता है, ठीक है, तो आप उसको रोजगार ही नहीं समझ रहे भाई, वो भी वही तो रोजगार है कि भाई आपको जो घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कुछ ना कुछ बिजनेस करके आप कमा रहे हो, कोई भी बिजनेस करो, पकौड़ी करो, खाने पीने का जो भी है, बाकी तो और तो रोजगार के लिए तो बहुत सारा लेक्चर चलता ही जाएगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा और यहाँ पे समाप्त करते हैं, और यदि हम आपसे एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे पूछेंगे कि आपके हिसाब से रोजगार किसको कहते हैं, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए, ताकि जो ये लोग बोल रहे हैं और जो पार्टियां जो बोल रही, यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर दूं, मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी लोग बोल रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपको लगता है वैसा आंसर लिख दो, रोजगार सब जगह पे भरा पड़ा है, कमी है वो हम में है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी रोजगार एक बोलते हैं ना जो हम कपड़े सिलने के जो छुई, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वही बोलते हैं ना छुई, ठीक है, वो भी एक रोजगार है, ठीक है, आप कुछ भी पेन कुछ भी बेचो यार, ये इतना बड़ा देश है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि भारत में
माटी भी बिकती है, बिक जाती है, हाँ मिट्टी भी बिकती है भारत में। इतने बड़े बड़े जो बिजनेस में ना, उनको पता है कि ये देश ऐसा है कि जिसमें आप कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी स्टार्ट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा। बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बिजनेस डाला और आप तुरंत ही लाखों पति करोड़पति बन गए। वो लक की बात होती है जिसपे हम भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो तो लाखों करोड़ों में एक या दो के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ होगा। स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको मोटिवेशन मिले, कुछ भी जो बिजनेस आपको लगे ना कि इस ये करने से मेरे को आनंद मिले। भाई मैं यहाँ पे कुछ खराब बिजनेस की बोल नहीं रहा हूँ, अच्छे बिजनेस की बात करो, जो आपको करने में आप आनंदित महसूस करते हो और आपको अच्छी नींद आती हो जो काम करने से, वो काम करना स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, उस काम में आपसे अव्वल कोई हो ही नहीं सकता। लिखित में मैं लिख दूँ, ठीक है। फिर बाकी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।